एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी फॉर ब्यूटीज। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। अभी समर सीजन है तो समर में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और स्वेटिंग होने से हमारी स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है और एक्स्ट्रा ऑयल आने से हमारी स्किन में पिम्पल एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं आज कुछ टिप्स बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप समर में जेल बेस्ड कोई भी फेस वॉश यूज़ कीजिए, जैसे कि जॉय का प्योर एलो एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो। आप क्लीन एंड क्लियर का भी जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। जॉय का भी फेस वॉश प्योर एलो एंटी पॉल्यूशन भी अच्छा है। और जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करने से आपको क्या होगा, आपकी जो स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल एक्स्ट्रा ड्राफ्ट रहता है ये पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो आप समर में जेल बेस्ड कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो। और मैं इस जॉय का प्योर एलो एंटी पॉल्यूशन फेस को काफ़ी दिनों से यूज़ किया, आप देख सकते हो काफ़ी दिनों से यूज़ किया और इससे फेस वॉश करने के बाद स्किन में थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होता है, तो काफ़ी अच्छा है। और आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, जेल बेस जॉय का भी और क्लीन एंड क्लियर का भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आती है ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप डेली स्क्रब कीजिए, माइल्ड स्क्रब डेली कीजिए। अगर आप DIY भी कर सकते हो, DIY स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो अपने स्किन में। अगर आपके पास टाइम ना हो तो, ज़्यादा टाइम ना हो तो आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है और इसका जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, तो आपकी स्किन में ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं करेगा, ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। सो आप इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हो। मैं इस स्क्रब की अलग से एक वीडियो बनाया है, सो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो एक काफ़ी अच्छा स्क्रब है, माइल्ड स्क्रब है, और मैं इसे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से दिखता है ये। और इसका जो पार्टिकल है एक क्रीम बेस है, आप देख सकते हो, और इसका जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, तो आपकी स्किन में कोई भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो और इसको इसे फेस वॉश करने के बाद स्किन ड्राई, एकदम से ड्राई नहीं होता, थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी होता है। सो इसके अंदर मिल्क है, मिल्क मास्क स्क्रबर, सोमिस कैन प्रोडक्ट के मिल्क मास्क स्क्रबर है ये। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं बोलूँगी टोनर के बारे में बोलूँगी। आप रोज़ वाटर टोनर ही यूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रोज़ वाटर आपके लिए बहुत अच्छा है, और बहुत इस रोज़ वाटर को आप इस्तेमाल करने से आपकी स्किन का जो पोर है टाइट हो जाएगा और एक्स्ट्रा ऑयल भी आने नहीं देगा। आप जेल बेस्ड फेस वॉश से फेस यूज़ कीजिए, चाहो तो आप स्क्रब भी कर सकते हो, और उसके बाद ही फेस को ड्राई करने के बाद आप कोई भी रोज़ वाटर टोनर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे परंपरा का रोज़ वाटर टोनर इस स्प्रे बॉटल में डाल दिया है, इसका भी एक रिव्यू मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो आप, ये बहुत ही अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया, बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ इसको। अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप कहीं भी बाहर से आते हो तो आप थोड़ा सा फ्रेश दिखने के लिए आप इस रोज़ वाटर को फ्रिज में रख दीजिए, और उस बाहर से आने के बाद आप फ्रिज में से निकल के इस फ्रेश रोज़ वाटर को ऐसे अपने फेस पे स्प्रे कीजिए। मैं करके दिखाती हूँ, आपको जो इंस्टेंट फ्रेश फील होगा आपकी स्किन में, इंस्टेंट फ्रेश फील होगा। सो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप रोज़ वाटर को एज ए फेस मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इस रोज़ वाटर का जो फ्रेगरेंस है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो आप इस सारे कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी स्किन
आप ऑयली स्किन से छुटकारा पाओगे। मैं ऐसा करती हूँ कि इस वीडियो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आगे से ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आप इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कॉमेंट पे। टेक केयर, बाय बाय।